विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मंगलवार को सभी सामाजिक संगठनों ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें खिलाड़ियों को नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़े रहने की बात पर जोर दिया है। हम आपको बता दें कि खेल युवा कल्याण विभाग खिलाड़ियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर समय समय पर अभियान चलाकर जागरूकता लाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में नशा छोड़कर खिलाड़ियों को खेलों में जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान तारक पारकर ने खिलाड़ियों को बताया कि तंबाकू सेवन से कई बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है, जिसका सेवन से प्रतिवर्ष 13.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कबीर कल्याण समिति ने जागरूकता रथ को SDOP रोहित अलावा के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे भारत की बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जिससे कैंसर की बीमारी होती है। और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि आप व्यक्ति तंबाकू को छोड़े, अपनी ज़िंदगी बचाए, अपने परिवार की ज़िंदगी बचाए और समाज को बचाए, ताकि वो अपना स्वस्थ जीवन जी सके और तंबाकू से बचे। क्या नाम लिखा? KB मंसारे। जैसा कि सभी को पता है कि तंबाकू सेवन से कई हानियाँ होती है, कई परिवार इसमें बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जैसे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी है, तो इसमें हम ऐसा तो ये चूँकि एक दिवस ना होते हुए पूरे दो साल भर है, साल भर इस तरह के प्रयास किए जाते रहते हैं। तो हम इस बार जो कबीर कल्याण समिति है, इसने 25 तारीख को जो ये एक पहल शुरू करी है, काफ़ी सराहनीय पहल है। और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग तंबाकू से दूर रहें, इसके हानियाँ काफ़ी है और इसके फायदे बहुत कम हैं। थैंक यू। आपने नागरिकों को संदेश देना कि आप कि तंबाकू से बचना है, तंबाकू से जो बचने वाली से बचने से मुँह के कैंसर, फेफड़े के कैंसर और हार्ट अटैक, ये इससे अपन को मुक्ति मिलती है। यदि मान लो तंबाकू के सेवन से यदि मुँह में छाले हो जाते हैं तो उसमें कैंसर होने के चांस रहते हैं, कि चूना रहता है, जल जाता है। तो इससे बचने के लिए तंबाकू को धीरे धीरे बंद करके उसे अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा लंग कैंसर होता है, अटैक आते हैं, इसे बहुत सारी हमारे शासन मतलब मध्य शासन ने सभी पूरे ज़िले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू किए, NCD क्लिनिक जो चल रही है उसमें वहाँ पे हमने CHO का रखा है और वो उसको ये इस प्रकार की तंबाकू का सेवन करने वाले और बाकी हार्ट अटैक और के लिए BP शुगर ये सब कंट्रोल करने के लिए हमने CHO को रखा हुआ है। वो यही काम करते हैं और इसके अवेयरनेस करते हैं कि तंबाकू से बचना है और कैंसर से बचना है। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर दौलत सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।